हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल लेडर में। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता के संबंध में। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता, तो महान्यायवादी की अगर बात करें तो महान्यायवादी जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर हम महाधिवक्ता की बात करें तो वह राज्य सरकार का हाई कोर्ट में प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब अगर कहा जाए तो महान्यायवादी जो होगा वो भारत सरकार का वकील होगा सुप्रीम कोर्ट में, जबकि महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य सरकार का वकील होगा हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग पद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 76 इसमें बताया गया है महान्यायवादी का पद। संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में बताया गया है महान्यायवादी का पद, जबकि अनुच्छेद नंबर 165 में बताया गया है महाअधिवक्ता का पद। जिस तरीके से केंद्र में महान्यायवादी होता है ठीक उसी तरीके से राज्य में महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, तो दोनों का पद केंद्र और राज्य के संबंध में एक जैसा ही होता है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कार्य, तो ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा जबकि ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा। ठीक है, जो महान्यायवादी होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखेगा, जबकि जो महाधिवक्ता होगा वो हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखेगा। उसके अलावा हम लोग देखें, जो महान्यायवादी होगा अगर किसी व्यक्ति के भी के साथ अगर पर्सनल कोई मुकदमा है तो उसको भी ये लड़ सकता है, मतलब पर्सनल केस भी ये ले सकता है भारत सरकार के अलावा। ठीक है, तो जो महान्यायवादी होगा वो भारत सरकार की ओर से केस तो लड़ेगा ही, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल जरूरत है तो किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल केस भी ये क्या कर सकता है, लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से जो महाधिवक्ता होगा वो भी किसी व्यक्ति के तरफ से पर्सनल केस भी लड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो महान्यायवादी होगा वो महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग महाधिवक्ता की बात करें तो यह विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन इसको भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इसको भी जो है वोट का अधिकार नहीं होगा। उसके अलावा अगला मैटर पे अगर हम लोग बात करें तो जो महान्यायवादी होगा वो कभी भी भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ेगा, क्योंकि भाई वो भारत सरकार का वकील है तो भारत सरकार के विरुद्ध क्यों मुकदमा लड़ेगा। तो महान्यायवादी जो होगा वो कभी भी भारत सरकार के अपोजिट मुकदमा नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो सरकार के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं लड़ेगा, और जो महाधिवक्ता होगा वो राज्य सरकार के विरुद्ध कभी भी मुकदमा नहीं लड़ेगा। ठीक है, तय हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग नियुक्ति और शपथ। तो महान्यायवादी जो होगा उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और शपथ भी कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। उसी तरीके से जो महाधिवक्ता होगा उनकी भी उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करेंगे, राज्यपाल, और इनको शपथ भी कौन दिलाएंगे, राज्यपाल। ठीक है, अगला में आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होगा।
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, मतलब राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब हटा सकता है, बिना कारण बताए भी हटा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। उसी तरीके से ये जो महाअधिवक्ता होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। बात करें अगर वेतन की, तो महान्यायवादी का वेतन तय नहीं है और न ही महाअधिवक्ता का वेतन तय है। दोनों का जो वेतन है वो तय नहीं है। ठीक है, तो इनका वेतन जो है तय नहीं किया गया है, इनकी वेतन जो है राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर तय करेंगे। उसके बाद अगर बात करें इनकी योग्यता की, ठीक है, योग्यता की बात करें तो महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके योग्यता के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सबसे पहले महान्यायवादी जो होगा वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, अगला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भले ही ना हो लेकिन न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, जरूरी योग्यता, वो इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकता है, अगर ये नहीं है तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो तो भी वो क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा तो भी वो क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। ठीक है, उसी तरीके से महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखना चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी योग्यता होगी, महाधिवक्ता। तो हो गया आपका महान्यायवादी और महाधिवक्ता बनने के लिए जरूरी योग्यता। अब अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो है के वेणुगोपाल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है वो कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये 15वें नंबर के हैं। उसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो महाधिवक्ता होंगे वो सतीश चंद्र वर्मा होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर त्यागपत्र की बात करें तो महान्यायवादी जो होगा वो किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को, और महाधिवक्ता जो होगा वो त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को। उसी तरीके से चूंकि महान्यायवादी जो होता है पूरे देश का एक होता है, तो भाई अकेले जो है काम करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए महान्यायवादी के सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल होगा वो महान्यायवादी को क्या करेगा, सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा। उसी तरीके से महाअधिवक्ता के सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और ये जो अतिरिक्त महाअधिवक्ता होगा वो महाअधिवक्ता को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग आज महान्यायवादी और महाअधिवक्ता जो टॉपिक है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।